हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, काइनेटिक्स मींस मोशन, सो केमिकल काइनेटिक्स मींस केमिकल रिएक्शन की स्पीड। अब केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान एटम्स का रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट किस तरीके से रिएक्शन में बनते हैं। सो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स एंड द वेरिएबल्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कम्स अंडर केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स चेंज इन कंसेंट्रेशन। ये कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी की भी हो सकती है पर यूनिट टाइम इंटरवल। सो रेट ऑफ रिएक्शन मींस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालते हो, यानी डेल एक्स बाय डेल टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। और जब हम इसकी लिमिट टाइम को चेंज कर देते हैं जीरो, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो अब जो आपका एक्सप्रेशन बना डी एक्स बाय डी टी, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो डेल एक्स बाय डेल्टा टी और लिमिट टाइम चेंजेस टू जीरो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को लार्ज टाइम इंटरवल में स्टडी करते हो, लार्ज टाइम इंटरवल का मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन और टी टू माइनस टी वन। तो दो अलग अलग टाइम इंटरवल पर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड को यानी उसकी रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी ज्यादा बनेगा। टेम्परेचर, किसी भी रिएक्शन के अंदर ये फाइंड आउट किया गया है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो जो रिएक्शन की रेट है ये डबल हो जाती है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मींस कि आपने जो रिएक्टेंट लिया है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैसियस में है। इवन अगर वो सॉलिड स्टेट में भी है तो क्या वो सॉलिड है या पाउडर्ड फॉर्म में है? तो पाउडर्ड फॉर्म के अंदर अगर रिएक्टेंट को लिया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ऐसी बहुत सी रेडिएशन होती हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की प्रेजेंस में ही अपनी स्पीड को बढ़ाती हैं। विदाउट रेडिएशन हम चाहे कोई भी फैक्टर प्रोवाइड कर ले उनकी स्पीड नहीं बढ़ सकती। तो ऐसी इक्वेशंस को या ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड रिएक्टेंट या लिक्विड रिएक्टेंट के केस में कुछ भी नहीं होता, अनलेस एंड अंटिल गैसियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व ना हो, प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। कैटलिस्ट, एज वी ऑलरेडी नो, कैटलिस्ट अ केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट ऐसा क्या काम करता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है? कैटलिस्ट जो है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लो कर देता है, यानी कैटलिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे करता है? बाय प्रोवाइडिंग अ न्यू पाथ टू द रिएक्शन। कि कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, और वो ऐसा कैसे करता है? उसी रिएक्शन को एक नया रास्ता दे देता है।
अब बात आती है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी बार बार बात कर रहे हैं कि उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो उसे हम रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से फाइंड आउट करते हैं। यहां पर आपको एक चीज समझना जरूरी है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है और जो रेट लॉ है ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी जनरल रिएक्शन को मैंने इस तरीके से लिख दिया, जहां पर ए और बी रिएक्टेंट है और स्मॉल ए स्मॉल बी ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखूंगा तो वो के यानी रेट कांस्टेंट, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, पर इसकी पावर एक्स और वाई है। ये एक्स और वाई की वैल्यू एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ए और बी के बराबर ही होती है। लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को निकालता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच पावर टू दी रिप्रेजेंटेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक बैलेंस्ड कोफिशिएंट। तो यहां पर ए और बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिए गए हैं, इसलिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। पर जब हम एक्स वाई को लिखते हैं ए और बी की जगह पर तो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं और इसे कहते हैं हम रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ ये दोनों एक्स वाई और ए और बी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सेम वैल्यू को ही डिनोट करते हैं। नाउ जो हमने बात की के ये है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्पफुल होता है। रेट कांस्टेंट का रेट लॉ के साथ जो रिलेशनशिप है उसे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से सिग्निफाई करते हैं। जैसे यहां पर मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहां पर ए अरहेनियस फैक्टर, ए नॉट अरहेनियस फैक्टर एट बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड टी टेम्परेचर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाता है, K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन कितने समय में 50% कंप्लीट हो सकती है, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। इसे हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड और 50% ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन रिएक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। अरहेनियस इक्वेशन हमको यह बताती है कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कोरिलेट करता है। इसके लिए जैसे यहां पर आपको एक एक्सप्रेशन मैंने लिखकर बताया के अगेन रेट कांस्टेंट, ए अरहेनियस फैक्टर, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसे हम अरहेनियस इक्वेशन कहते हैं। लॉगरिथम लेने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी लॉग ऑफ के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। तो यहां से हम देख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और यह फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है। कोलिजन थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके
कोलिजन के बाद प्रोडक्ट को बनाते हैं। यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, और जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर। तो यहां पर एक नया टर्म आता है जिसे हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर यही एक्सप्रेशन बन जाता है पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहां पर पी का मतलब है स्टेरिक फैक्टर, जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है बिटवीन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ए एंड बी, ई ए ऑलरेडी बता दिया एक्टिवेशन एनर्जी, आर टी यू ऑलरेडी नो। अभी इसके अंदर हमें मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन टॉपिक्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मोलेक्युलरिटी जो है ये हम लॉ ऑफ मास सेक्शन से निकालते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हम रेट लॉ की मदद से निकालते हैं। मोलेक्युलरिटी हमेशा एक होल नंबर होगी, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी फ्रैक्शंस के अंदर भी आ सकती है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा आसानी से इन सवालों के जवाब दे सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब डेल्टा टी की लिमिट को हम जीरो पुट कर देते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ जाती है, और जब लार्ज टाइम इंटरवल पे देखते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाती है। कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, द वेरी डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, हाउ कैन यू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन बाय हेल्प ऑफ दीज टू लॉस। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रिएक्शन 50% अगर कंप्लीट होती है तो कितने समय में होगी, ये हम हाफ लाइफ पीरियड की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्हीनियस ने किस तरीके से रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताया, अलग अलग टेम्परेचर के बेसिस पर किस तरीके से हम रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोलिजन थ्योरी क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी सवालों के जवाब हम आसानी से इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते समय ढूंढेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।